बचपन से हम लोग जबलपुर को बदलते हुए देख रहे हैं, चीज़ें बदलती हुई देख रहे हैं, लोगों की सोच बदलती हुई देख रहे हैं। और ये सारी जो जगह है मेरी आंखों के सामने डेवलप हुई है। पहले यहाँ पे तालाब हुआ करता था, उसके बाद ये डेवलप हुआ, फिर सिविक सेंटर डेवलप हुआ, फिर समदरिया मॉल डेवलप हुआ, फिर धीरे 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 जबलपुर डेवलप में जाता गया। फुआरा एक मार्केट है, वहाँ पे लेडीज़ मार्केट भी है, जेंट्स मार्केट भी है, सब्जी मार्केट भी है, ज्वेलरी मार्केट भी है। वो एक ऐसी जगह है कि आप दो गली घूमोगे तो अलग अलग मार्केट आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा सब्जी लेने, जैसे वहाँ एक एरिया में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ये टेबल 1707 का, इसी से स्नूकर गेम इन्वेंट हुआ है। जबलपुर तो सर बहुत अच्छा है घूमने के, यहाँ पर यानी कि जो है हर एक चीज़, जो खाने से पीने से रहने से, यहाँ हर एक चीज़ सस्ती मिलती है अपन को। अब बहुत से नए लोग हैं जैसे कि स्टेशन पे उतरते हैं, उनसे पूछते हैं भाई कोई होटल अच्छा खाने का, नॉन वेज वाला होटल बताओ, तो वो अपने को सदर ले आते हैं इस एरिए में। इस चौपाटी को करीब 35 ईयर्स हो गया, और पहले ये आज जो कंडीशन है इस चौपाटी का, ये कंडीशन नहीं था पहले, छोटे छोटे दुकानें थी। मेरे ख्याल से MP में भी ऐसी चौपाटी साइज नहीं होगी। यहाँ पे कई प्रकार के फूड हैं, यहाँ पे हम मेरे जैसे कालकड़ा चाइनीज, हम लोग जैसे बहुत सारी वैरायटी हम लोग मेंटेन करते हैं चाइनीज़ फूड में। यहाँ पे एक और डोसा किंग है, उनके जैसे डोसा पूरे जबलपुर में नहीं बनता है। चाट है यहाँ पे जो फतेहपुरी और बाहर बाहर के जो चाट वाले आज यहाँ पे अपना व्यापार करें, डिफरेंट चाट खिलाते हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं। आजकल फ्रेश जूस की बहुत डिमांड है, तो यहाँ पे दो फ्रेश जूस के बड़े बड़े काउंटर हैं जो आपके सामने फल को काट के फ्रेश जूस आपको देते हैं। मेरे ख्याल से जबलपुर की सबसे बेस्ट चौपाटी है जो एक ही जगह में बहुत सारा फूड मिलता है, क्योंकि चौपाटी होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हाई जेंट्री यानी आती है। हमारे यहाँ जैसे खोवे की जलेबी आज 100 साल पुराना एक प्रोडक्ट है, और खोवे की जलेबी वन ऑफ द एक स्वीट्स में देखें, हर शहर में अपना अपना तरह का कोई स्वीट्स होती है। जबलपुर की खोवे की जलेबी बहुत फेमस प्रोडक्ट है जो यहाँ होता है। यहाँ की हम लोग तो यहीं से खाए हैं हमेशा, जब भी खाएँ ये है बड़कुल मिठाई है, इनके यहाँ से ही लेके आए हमेशा, और यही फेमस चीज़ है। हाँ नहीं, हम जो भी बनाते हैं खाना तो हम ये समझ के बनाते हैं कि हम जो बना रहे हैं हम बहुत अच्छा बना रहे हैं, कि कस्टमर जब खाए तो उसको लगे कि हमने कुछ खाया है। मगर ज़्यादातर यहाँ का जबलपुर का पान जो है विविध, हर कोने में जबलपुर में एक पान की दुकान मिलेगी, और हर पान की दुकान की कोई एक विशेषता होगी। जो बनारस का पान जैसे होता है, वैसे जबलपुर में भी ये पान का बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा। वैरायटी ऑफ पान मिलते हैं, वैरायटी ऑफ खाने का मिलता है। जबलपुर वन ऑफ द इंडिया में सबसे ज़्यादा हर्बल का सेंटर है, रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण। सबसे पहले तो मैं डुमना एयरपोर्ट ही लूँगा नेचर पार्क, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है हम लोग के पास, क्योंकि सुबह से आते हैं रात तक हम काम करते हैं, महीने में एक हमारी छुट्टी होती है, तो हमको लॉन्ग ड्राइव जाना है। एक तो वहाँ भीड़ कम है। सबसे अच्छी जगह और सबसे प्यारी जगह है भेड़ाघाट। फर्स्ट यहाँ सदर से करीब 40 किलोमीटर्स में भेड़ाघाट है। देखिए जबलपुर में आज कोई भी नया आदमी आता है तो सबसे पहले वो भेड़ाघाट देखने जाता है। यहाँ की तो जबलपुर की एक ही फेवरेट है भेड़ाघाट, वहीं अच्छा लगता है जाके, वही एक जगह थोड़ा सुकून महसूस होता है, बैठे आओ थोड़ा।
दूर दूर से लोग आते हैं खाली भेड़ाघाट देखने के से आते हैं, इतना पैसा खर्च करके आते हैं खाली भेड़ाघाट देखने के लिए। एक आरी होती है जैसे बड़ी बड़ी, जैसे ये मार्बल से रखा हुआ है, बड़े बड़े मार्बल होता है, आरी से उसको काटना पड़ता है, काटने के बाद एक सा उसको करके फिर उसमें डिज़ाइन उतारना पड़ती है, फिर आइट साइड कटिंग करना पड़ती है, कटिंग करने के बाद उसको पूरा आकार में बनाना पड़ता है डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन के बाद उसको कंप्लीट करके फिर जैसे ये रखा हुआ है ऐसे रखना पड़ता है। अब जैसे कोई गेस्ट आया जिनको पसंद आया उनने खरीद लिया। नहीं सब में ज़्यादा अपने इधर तो अपन जिस जगह रह रहे हैं भेड़ाघाट अपने को बहुत अच्छा लगता है सर, भेड़ाघाट वहाँ पे वो संगमरमर की पहाड़ी है और ऐसा पानी बहता है और धुआं ऐसा धुएं जैसा पानी उड़ता हुआ देखने को मिलता है तो एक अलग सी खुशी मिलती है। जब मेरा ऑफ रहता है या दो तीन दिन की छुट्टी रहती है तो मैं अपनी फैमिली को लेकर के या फिर अकेला कभी मूड होता तो गाड़ी उठा के निकल जाता हूँ। खासतौर से वहाँ का पंचवटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो नाव में बैठा करके पूरा भेड़ाघाट घुमाते हैं फिर एक एक प्लेस बताते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नहीं सब में पहले तो अपन यही बताते हैं भैया नौका विहार कर लिए, वाटरफॉल घूम लिए, मेन चीज जो इधर की है और एक मंदिर है चौसठ जोगनी मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है वो, औरंगजेब के जमाने का है वो मंदिर, मतलब कटी कटी आधी आधी मूर्ति है, मतलब औरंगजेब के जमाने का वो। यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, लोग श्रद्धा से आते हैं, नर्मदा जी हैं जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, महाआरती होती है और दीपदान करते हैं, नारियल वगैरह फोड़ते हैं, सब श्रद्धा से अपने जो मन्नत रहते हैं घूमने के लिए भी आते हैं, दर्शन करते हैं, नहाते हैं। जबलपुर का खास खाना है गौरी घाट के तालाब के किनारे बैठ कर के गक्कड़ भरता खाना, सबसे खास लगता है मुझे। देखिए जबलपुर एक बहुत पुराना, एक जबाली ऋषि हुआ करते थे जिनके नाम पे जबलपुर बना। जबलपुर मेरे हिसाब से तो एक अच्छी संस्कारधानी है। मेरी तो जन्मभूमि है, मैं तो बोलूँगा कि यार जबलपुर बेस्ट है, पूरे शहर से बेस्ट है, संस्कारधानी कहलाता है ये शहर। यहाँ के लोगों के मिजाज बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, सब अच्छे से एक दूसरे से बहुत तरीके से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब जो है बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। हर चीज़ मिलती है लेकिन सही समय पे मिलती है, थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है बट लेकिन मिलती ज़रूर है। जबलपुर में सजावट भी डेकोरेट भी बहुत अच्छे से किया जाता है और सारे त्यौहार सब मिल के मनाते हैं। ये कल्चर शहर है यहाँ का, आप देखो यहाँ पे तरह तरह का, जब हमारे यहाँ सब धर्मों के जो रैलियाँ निकलती साल भर यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं। मेरा नाम पिंटू देवनाथ है। मेरा नाम है ये अब्दुल शहीद है। मैं प्रेम दुबे हूँ। मैं मोहम्मद अबराद। हमारा नाम दीपक केवट है। मेरा नाम है राजू राव। मेरा नाम सलीम खान है। मेरा नाम हारून खान है सर। मेरा नाम अनवर है, मैं जबलपुर में पिछले 30-35 साल से रह रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं था और एक टाइम ऐसा है कि लोग यहाँ से जाने के लिए नहीं तैयार है।